किसान भाइयों, ग्रामीण भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, एक जमानो हो जब आपा खेती बाड़ी में काम कराया करता या पशुपालन को व्यवसाय कराया करता तो अपन आर्थिक सहायता कौन मिला करती। अगर अपन कर्जो लेनो है तो वो कोई सरकारी संस्था या बैंक से कौन मिला करतो, केवल आपा साहूकार पर आधारित होया करता, बीच अपन ब्याज जानो ज़्यादा देनो पड़तो और परेशानी होती। जमानो स्थिति बदली, अब बहुत सी संस्था आ गई जो कि अपन रुपया पैसा भी दे दी हैं और अपन सहायता भी दे दी हैं। आज आप जो कि चौपाल की बात करांगा, चौपाल में वह बात करांगा कि किसानन बैंक के सुविधा दी हैं। इसकी जानकारी लेके आपने चौपाल में पधारा ही श्री सत्यनारायण जी शर्मा साहब, आप सहायक महाप्रबंधक हैं, SBI बैंक में कार्यरत है और जयपुर हेड ऑफिस में कार्यरत है। शर्मा साहब, चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है साहब। राम राम सर। राम राम। और किसान भाइयों, अपना किसान एक राम गोपाल जी मेहता गांव फालियाबास तहसील बस्सी से पधारा ही। राम गोपाल जी। राम राम साहब। तो राम गोपाल जी, आपा तो एक जमानो देखियो है कि किसान ने बड़ो संकट झेलनो पड़तो, तो स्थिति परिस्थिति बदल गई और आजकल बैंक सुविधा दी, तो क्यों ना बात करें आपा शर्मा साहब। शर्मा साहब, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ऊंचे उहदे का आदमी हो, तो बैंक का द्वारा किसानन विशेष तौर से बाको व्यवसाय खेती बाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी सुविधा दी जाए, बिल्कुल जिक्र हो। देखिए पूर्णमल जी और राम गोपाल जी, आपने ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है किसानों की, और कृषि परिप्रेक्ष्य में मैं आपको थोड़ी और ब्रीफिंग बताऊं कि सन 1980 से पहले कोई भी बैंक किसानों के प्रति मतलब इतने ऋण नहीं देते थे, और किसान किसी बैंक की शाखा में जाकर कोई खाता खुलवाने या दो भैंस का लोन आवेदन करने की सोच भी नहीं सकता था। तो जैसे जैसे सरकारी योजनाएं आई, ग्रामीण बैंक बने, कोऑपरेटिव बैंक्स पे फोकस किया गया और कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें से 19 जुलाई को 14 राष्ट्रीयकृत बैंक बने। इससे पहले 1969 में 6 बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे। तो इसके बाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कृषि के ऊपर फोकस किया, जब किसान एक ज़माने में आड़तियों और सेठ साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे और अपनी पूरी फसल अच्छी भी होती थी तो वो उनके ब्याज और उसमें वहाँ काश्तकारों के पूरा उनको रिटर्न नहीं मिल पाता था और उनके कर्जे से भी बाहर नहीं निकल पाते थे। इसलिए ये सरकारी जो पहल हुई, राष्ट्रीयकृत किए गए बैंक और कृषि विभाग अलग से बैंकों में खोले गए, उसके तहत कोई भी किसान किसी भी शाखा में पहुंच जाए और वहाँ के कृषि अधिकारी से मिले और अपने कृषि ऋण की जो आवेदन करे और अपने कागजात खसरा गिरदावरी जमाबंदी लेकर जाए, तो हाथों हाथ ही कृषि शाखा में उनको ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है। और अब तो बैंकों ने सन 1980 के बाद में टेक्निकल एक्सपर्ट भी भर्ती करना चालू किए, जो कि कृषि से पढ़े लिखे कृषि स्नातक होते थे, जो कि किसान को न केवल ऋण प्रदान करते थे बल्कि टेक्निकल गाइडलाइंस, जैसे किसान को कौन सी फसल उगानी चाहिए, टेक्निकल गाइडलाइंस, इस समय कौन सी पेस्टिसाइड डालनी चाहिए या प्राकृतिक आपदा के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, कृषि का फसल खराब हो गई तो उसका बीमा कराकर उसका राज्य सरकार से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से इनसे क्लेम लेकर और अपने किसान अपना भरपाई करके और आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। नहीं शर्मा जी, एक देखिए आप फसली ऋण को जिक्र करा, किसान मोटर रूप से फसल पर ऋण ले तो भी में एक तो अवधि लंबी हो एक छोटी हो, तो के प्रकार का बैंक लोन दी है और के तरीके थ्रू दी है वो आप किसान ने समझा दिया, तो किसान आसानी से ऋण ले ली और आपको काम चला ले। किसान भाइयों, इसके बारे में बहुत अच्छा प्रश्न किया है पूर्णमल जी ने। इसमें जैसे मान लीजिए कि आप छोटे ड्यूरेशन की फसल उगा रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, तो उसके लिए सुविधा और लिमिट उसके हिसाब से फिक्स होती है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स जैसे गन्ना उगा रहे हैं, राइस उगा रहे हैं, तो उसके लिए अलग आपका क्राइटेरिया है और लिमिट फिक्स हो जाती है और उसकी भुगतान पेमेंट भी रिपेमेंट पीरियड जो है उसी के हिसाब से फिक्स किया जाता है कि आपकी फसल 6 महीने पक रही है तो आपको 3 महीने का जेस्टेशन पीरियड देके 9 महीने 10 महीने बाद आपसे वसूली का किस्त फिक्स किया जाता है, जिससे आप सुविधापूर्वक किसान भाई अपने ऋण को चुका भी सकें। अगर 12 महीने की किस्त आ रही है और गन्ने जैसी फसलें जो कि 12 से 18 महीने में भी पकती हैं तो उनके रिपेमेंट उसी के हिसाब से फिक्स कर दिए जाते हैं, तो किसानों को उसके हिसाब से अपना
कॉस्ट लागत जो फसल में आएगी, पेस्टिसाइड कितना चाहिए, फर्टिलाइजर कितना चाहिए, बीज कितना, और लेबर कॉस्ट, टेक्निकल गाइडलाइंस, और ये सारा कुछ मिलाकर उसकी एक कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालकर पूरी ऋण सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है, जो कि आपके लिए फसलों को उगाने में पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, शर्मा जी आप बताई है कि आपकी आवश्यकता और आपकी फसल यानी 6 महीना 12 महीना आपकी कितनी ज़रूरत है, बी के मुताबिक से आप एक प्लान बनाओ, और प्लान के बिना मत चलो। प्लान के बिना मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ जो है, प्लान होएगो तो हमेशा आपा जीतांगा, आपा सुविधा में रहांगा। प्लान बनाओ, बैंक में जाओ, जानकारी लियो और बैठे अप्लाई करो। अब अपने किसान भाई ही गोपाल जी, राम गोपाल जी आप जहाँ बात करा तो थी, पूछना चाहो आके मैं के सी सी के बारे में पूछूँ, के पूछना चाहो हो पूछो ना, मैंने आज आज मैं एम डी साहब आया हुआ साहब, के सी सी के लिए कहीं कहीं कागज चाहो लो मान, मतलब के सी सी के लिए तो कहीं कहीं कागज चाहो ला, के सी सी के लिए। देखिए राम गोपाल जी, सबसे पहले किसान को तय करना है कि जैसे मान लीजिए छोटा किसान है मझोला या बड़ा किसान है, लैंड होल्डिंग के हिसाब से मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, तो आपको आपने प्लानिंग कर ली कि मुझे 2 एकड़ में राइस बोना है, 2 एकड़ में गेहूं या चना बोना है, उसके हिसाब से आपने अपनी प्लानिंग कर ली कि मेरा ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आएगा, उसके हिसाब से आपको जो जमाबंदी है, गिरदावरी है, ये कागज़ आप बैंक को दे दें, बैंक अपने टेक्निकल अधिकारी से उसकी आवेदन एप्लीकेशन भरवा के रिसर्च जो वकील का सर्च रिपोर्ट है वो भी तैयार करा लेगा, और आपके जमाबंदी के रिकॉर्ड में बैंक का लिमिट सेंक्शन करने के बाद बैंक में उसका नाम दर्ज हो जाएगा, रहन दर्ज हो जाएगा। तो साहब ये लिमिट की भी कोई बात सीमा रहती कहीं? लिमिट की भी सीमा रहती है राम गोपाल जी, जैसे मान लो आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, एक हमारे यहाँ हर एक ज़िले में डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी बनी हुई है, गवर्नमेंट और बैंकों की नाबार्ड की सामंजस्य से एक कमेटी है जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी बोलते हैं, DLTC, वो हर एरिया की, हर ज़िले की एक कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन डिसाइड करती है कि आपको इस फसल के लिए इतना पैसा ज़रूरत है, 10,000 रुपये पर बीघा लगेगा जैसे, या बाजरा के लिए इतना, गेहूँ के लिए इतना, वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन DLTC हमेशा हर 2 साल में 3 साल में उसको रिव्यू करती है, उसके हिसाब से बैंक वो सुविधा आपको उतनी लिमिट प्रदान कर देते हैं जिससे कि उसके हिसाब से आपको पूरी फसल उगाने में मदद मिल सके। राम गोपाल जी की बात में एक मैं भी बात जोड़ दूँ। हाँ बोलो साहब। मैं आज जोड़ना चाहूँ कि बैंक एक तो कौन से एरिए को या विशेष हो है, या भी एरिए को बैंक कौन से में जाबो कठे जा भी की जानकारी भी हो जाए, तो आदमी कई बार कंफ्यूज हो जाए शर्मा जी, तो कंफ्यूजन दूर कर लो अपन, एकदम सो रस्तों बताने का, रस्ते चाले जो गाँव आ जा और उधर चाले गाँव को नहीं आवे, तो कौन से बैंक में जा, कठे जा, आपके एरिए में जा, गाँव में जा, भी की जानकारी अच्छी तरीके से। देखिए राम गोपाल जी, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बता देता हूँ। सीधे तरीके से ये है कि जिस भी गाँव में आप रह रहे हैं वहाँ जरूर कोई ना कोई ग्रामीण बैंक होगा, या कोई राष्ट्रीयकृत बैंक की आसपास में शाखा होगी, या कोई कोऑपरेटिव बैंक होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, तो यहाँ जितने भी कोई इस तरह की संस्थाएं हैं वहाँ किसी भी संस्था में जाकर आप कृषि ऋण के बारे में आवेदन कर सकते हैं और वहाँ से आपको सुविधा मिल सकती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी की जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वगैरह, वो सभी के लिए नाबार्ड से सबको सर्कुलेट कर दी जाती है, सबको उतनी सुविधा आपको देनी है। तो किसान भाइयों और ग्रामीण भाइयों, अगर आपने KCC किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो आप आपके नज़दीकी बैंक में, चाहे गांव हो या गांव के आसपास में हो, भी बैंक में चला जाओ और जका आवश्यक दस्तावेज हैं जमीन से संबंधित वह ले के चला जाओ, बैठे जाता ही आप लोगों को काम हो जागो, और वो के ब्याज पर हो जागो, कितनी अवधि के लिए हो जागो, भी की जानकारी मैं आपके लिए और ले लूँ। ब्याज को जहाँ ब्याज बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो गए MD साहब, ब्याज की बहुत अच्छी क्वेश्चन किया है आपने, क्योंकि ब्याज अगर ज़्यादा होगा तो किसान को चुकाने में बड़ा भारी पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें सब्सिडी भी दे रखी है, और किसान क्रेडिट कार्ड पर तो ब्याज 7% तो है ही, अगर आपने खाता बिल्कुल नियमित रूप से रखा, समय पर चुकाया, तो 2% की और सरकारी ब्याज में छूट मिल जाती है बैंकों की तरफ से, तो ये बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है और टाइमली चुकाने में आसानी रहती है। और इसके अलावा आप फसल जैसे 6 महीने में आपकी पकती है तो उसके बाद भी 3-4 महीने का आपके पास समय रहता है, तो फसल को आप सही कीमत में बेच दें, आराम से उसको सेल करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है, और अच्छा दाम मिलने पर बैंक का कर्जा चुका दें, और भी आगे कोई सुविधा मिले तो बैंक आपका खाता का रिकॉर्ड जो अच्छा रहेगा
उसके हिसाब से और भी आपको सुविधाएं मिलती हैं। तो रामगोपाल जी मैंने साहब बतायो कि आपने अगर खेती बाड़ी पर फसली ऋण लेना है तो भी को तो बात है, अब आपने खेती बाड़ी से जुड़े पशुपालन व्यवसाय, पशुपालन पर अगर कोई बात पूछनी चाहो तो पूछो मैंने साहब। तो साहब पशुपालन के लिए माने जहाँ छोटा और बड़ा को कहीं हिसाब नहीं, जहाँ के पशुपालन में डेयरी को, डेयरी को पशुपालन को डेयरी भी देखो कृषि से ही जुड़ा हुआ एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, और इससे किसानों को बहुत बड़ी सुविधा ये है कि किसान कृषि ऋण और खेती बाड़ी में तो उसको फसल का पैसा मिलेगा 6 महीने के बाद, जबकि डेयरी व्यवसाय में आपको तुरंत रिटर्न मिलेगी आपको महीने भर में 10 दिन में, जब भी आपका जैसे डेयरी व्यवसाय आपने खोल लिया और दूध की सप्लाई आप गांव में या कहीं भी कर रहे हैं तो आपका एक डे टू डे इनकम जनरेट हो जाती है। तो इसकी भी कोई लिमिट होगी? लिमिट बिल्कुल फिक्स कर रखी है नाबार्ड की तरफ से, इसकी स्कीम्स हैं डेयरी की, कैटल कैटल की, और इसके लिए आप जैसे छोटा किसान हैं तो वो मान लीजिए कि 2 या 4 कैटल से भी शुरू कर सकता है, और बड़ा किसान है तो उसके हिसाब से डेयरी का प्रोजेक्ट बन जाता है, और कॉस्ट इसकी जो लाइफ स्टॉक की कॉस्ट है, इसके अलावा मेडिकल इसके वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो इसके बारे में आपको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट उनका आपको अवेलेबल करा देते हैं, और परचेजिंग कैंप्स भी इनके लगते हैं तो आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं लाइफ स्टॉक को। तो इनका साथ साथ इनको बीमा भी हो सकता है? बिल्कुल, इसका बीमा भी होता है, और बीमा में यह है कि आपका किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से बीमा है और किसी वजह से पशु मान लीजिए उसकी डेथ हो गई तो बीमा कंपनी उसको आपका पूरा क्लेम दे देती है, दूसरा पशु आपको खरीद लेते हैं, आप तो आपका व्यवसाय जो है आगे से आगे चलता रहता है, कोई आपको नुकसान नहीं होता है। एमडी साहब आप बात केसीसी की आप बात करिए जिक्र की, तो कई बार मैं जाऊं गांव में जाऊं तो लोग पूछ रहे हैं कि केसीसी में शुरू से अंत तक कागजात की बात आप करी, तो तसल्ली से शुरू में मतलब फार्म कौन सो फार्म लेनो पड़े, शुरू में कौन सो जमाबंदी बनानी पड़े, कठे कठे जानो पड़े, नोडूज कौन सो को लेनो पड़े, ये तमाम चीजा मान विस्तार से अगर आप बता दो तो किसान भटक तो कौन फिरे, मेरी बात समझ में आई ना आपको? तो इस तरीके से बता दो, क्यों चूंकि मैं जाऊँ किसान से जुड़ रहा हूँ, खेती बाड़ी मैं भी करा, बड़े कई बार समस्या में निजात मिल जाए। बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि किसान को कई बार मान लीजिए कि 2 चक्कर लगे वो सोचता है कि ये तो अब 2 चीज़ें ये और बता दी, 2 कमियां ये निकाल दी, तो किसान परेशान होकर दोबारा फिर बैंक में जाता ही नहीं है। तो इसके लिए हमने सुविधा ये अवेलेबल कराई, ये कंसोलिडेटेड एक फॉर्म है जिसके चेकलिस्ट दे दी, हर ब्रांच में आप कहीं भी चले जाएँ तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एक चेकलिस्ट आपको एक दे दी जाएगी पहले दिन ही कि आपको ये 10-5 डॉक्यूमेंट ये इसके लिए आवेदन के साथ लगाने हैं। मान लीजिए आपका KYC डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, और खसरा गिरदावरी जमाबंदी है, या आप लैंडलेस लेबरर हैं तो भी किसी की बांटे पर बटाई पर खेती कर रहे हैं तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है। तो ये सारी सुविधाओं की एक चेकलिस्ट जो अब आपको दे दी गई और बैंक ने बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद टेक्निकल अधिकारी उसको एग्जामिन करके उसका अप्राइजल कर लेंगे, लिमिट फिक्स कर देंगे, और आपकी जमाबंदी का रिकॉर्ड भी तहसील से वेरीफाई करके आपको लोन दे देंगे। इसलिए एक मुश्त जो है आपको ये सभी बैंकों ने एक चेकलिस्ट हर ब्रांच में आपको मिलेगी, किसी भी शाखा में आप जाएंगे तो वहाँ के ब्रांच मैनेजर से आप सीधे संपर्क करें और एक चेकलिस्ट आप तुरंत ले लें जिससे कि आपको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़े। तो रामगोपाल जी और भी थारे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं समझ में आई ये बात चीज़ आज MD साहब आए नहीं, पूछो गांव में लोगों ने बताओ, खुद भी लाभ लो और लोगों ने भी दिलाओ और पूछो। तो साहब इनके साथ साथ जब फसल खराब हैगी मगे जब बरसात को नहीं कोई टाइम ओला पड़गा, हाँ जी वो टाइम सूखो पड़गो तो उनको लिए बिल्कुल गोपाल जी को कहने को मतलब है कि राजस्थान एक संभावना को देश है, मतलब फसल पक्की घरा नहीं आ जा जब तक ओला पड़ जा, अतिवृष्टि अनावृष्टि आंधी में कई चीज़ें ही नुकसान हो जाए खराब हो जाए भी सूरत में किसान की स्थिति। हाँ इसीलिए पहले पुराने जमाने में कहा जाता था कृषि एक जुआ है, खेती बाड़ी का धंधा जो है एक जुआ खेलने के से बराबर है कि किसान का फसल पक गई खेत में पड़ी है फिर ओले बरस गए तो फसल नष्ट हो जाती है, इसके लिए फसल का बीमा बहुत ज़रूरी है। तो हर एक किसान क्रेडिट कार्ड के साथ उसका बीमा कर दिया जाता है, और बीमा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके तहत आपको उसका प्रीमियम कुछ तो बैंक भी बियर करता है
और कुछ आप लोग बियर करते हो तो उसका बीमा सुरक्षित होगी फसल। अब कहीं आपकी नेचुरल कैलेमिटीज़ में पूरे एरिया की फसलें नष्ट हो गई तो एवरेज निकाल कर कृषि कंपनी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग क्लेम किसानों के खातों में फिर डाल देते हैं। एक जो अपा किसान क्रेडिट कार्ड बोला केसीसी बोला, हाँ जी, तो वो क्रेडिट बिक में कोई क्रेडिट डाली जा या बिम जितो कर्जो स्वीकृत हो भी तो लियो जा या अलग अलग लियो जा या कोई आगे के लिए भी की अवधि हो है इको भी पूरा जिक्र होना चाहिए। हाँ, शर्मा जी, देखिए पूरनमल जी बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड यानी किसान की एक लिमिट मान लीजिए कि 1,00,000 फिक्स कर दी बैंक ने और किसान को जरूरत है 10,000 की आज, तो वो 10,000 ही उठाएगा उसमें से, यानी वो लिमिट फिक्स है, आप जितना आपको आवश्यकता है उतना उस दिन उठाओ और उतने पर ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने आज 10,000 लिए, फिर 10 दिन बाद आपको दूसरी मान लीजिए खाद बीज की ज़रूरत पड़ी तो 50,000 निकाल लिए, तो 50,000 जिस दिन आप निकालेंगे उस दिन से ब्याज शुरू होगा और जब आपका फसल ये पैसा जमा होगा तो ब्याज कम हो जाएगा। तो इसलिए जितना भी ज़रूरत है उतना उठाओ, लिमिट तो आपकी फिक्स कर दी गई। अब एक साथ 1,00,000 रुपये उठा लिया और ज़रूरत है नहीं अभी तो पूरे का हमें महीने भर ब्याज देने से क्या फ़ायदा, जब ज़रूरत है उतना ले लो। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ आजकल हमने किसान के क्रेडिट कार्ड के ये ATM कार्ड भी जारी कर दिए हैं, तो उससे भी आप पैसा जितना मर्जी है ले सकते हैं जितना ज़रूरत है आपको। किसान भाइयों, अगर KCC आपा करा रखी है, 5,00,000 की करा रखी है, 2,00,000 की, 3,00,000 की, अगर आपने 25,000 रुपया की जरूरत है तो 25 ही कटाओ, यानी इको मतलब वो कोनी 3,00,000 की KCC होगी, 3,00,000 रुपया वाले आके घर मिल जा, जरूरत हो को नहीं, बिना मतलब कर्जदार हो गया, बिना मतलब ब्याज जागनो शुरू हो जाओ। इको मतलब वो है कि अगर अपनी लिमिट है, वक्त पड़े तो रात में लियाओ, दिन में लियाओ, ATM बना दिया, ATM सुकद भी कटा लियाओ। ये वास्ते आपन KCC को सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। जितनी ही जकी कल्याणकारी योजनाएं ही माँ को लाभ लेना है, नुकसान नहीं खानो। अब आप बात वसूली की कर ला। हाँ जी, वसूली से पहले और कर्जा की बात करा। हाँ, अन्य कर्जा कौन कौन सा ही जका दूसरा के आपने KCC के अलावा कौन कौन सा कर्जा बैंक दे किसान के कल्याण के वास्ते, किसान की सुविधा के वगैरह, किसान आगे बढ़ेगी वास्ते? देखिए कृषि मशीनरी जैसे खेती बाड़ी में जरूरत पड़ती है कि आपको ट्रैक्टर की जरूरत है या हार्वेस्टर की जरूरत है, तो ये कृषि उपकरणों का ऋण भी बैंक देता है और कोस्ट का 85% बैंक लोन दे देता है, 15% आपको मार्जिन देना है और उसके हिसाब से आपको एक अलग इनकम की जनरेशन चालू हो जाती है कि आपने अपने खेत पर तो उससे सुविधा ली, उसको आपके किराए पर चला कर भी इनकम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो किसान की आमदनी एक तरह से बढ़ जाती है। और जो भारत सरकार ने हमारा एक अभी विजन प्रस्तुत किया है कि हमें 2022 तक किसान भाइयों की आमदनी दुगनी कर देनी है, तो इस तरह से जो आपने प्रश्न किया है बहुत ही वाजिब है, उचित है और रिलेवेंट है, जिससे कि किसान भाई इसमें सोच के अपना विजन बनाए और आमदनी के कौन कौन से तरीकों से आमदनी कृषि में बढ़ सके, तो कृषि उपकरण खरीद सकते हैं, ट्रैक्टर खरीद सकते हैं या और दूसरे अलाइड एक्टिविटीज़ में और हाईटेक एग्रीकल्चर के जैसे ग्रीन हाउस भी लगा सकते हैं और हाईटेक प्रोडक्शन में सीड प्रोडक्शन, बीज हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वगैरह प्रोड्यूस करके सीड भी बेच सकते हैं, तो इस तरह की सुविधाएँ और ये बैंकों ने और जारी कर रखी हैं। नाबार्ड ने विशेष रूप से इसके लिए स्पेशल योजनाएं बना रखी हैं, सभी बैंक उसको निर्धारित रूप से इम्प्लीमेंट करते हैं और किसानों की आमदनी इसी तरीके से 2022 तक हमें जो दुगुना करने का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। शर्मा जी, आप दुगुना लक्ष्य की बात करी, जैसे मेरे भी एक मतलब बढ़ जाए जहन में क्वेश्चन आ जाए के 2022 तक कई तरीके से हुए, यानी इतना एक्सपर्ट विशेषज्ञ बैंक का ले रखा ही या कृषि विशेषज्ञ ही के कई तरीके से बतावें, लागत कम पैदावार ज्यादा, यदि दुगुनी आय हो सकेगी तो इसके लिए कौन कौन सा प्रयास किया जा रहा है? इसके लिए प्रयास ये है कि जो किसान जिस क्षेत्र में है उसकी भूमि का प्रकार कैसा है, उस एरिया में बारिश होती है या नहीं होती, मान लीजिए ड्रोट प्रोन एरिया है तो उसमें ड्रोट प्रोन एरिया की फसलें उगाई जाएं जिनको पानी की कम जरूरत पड़ती है और खाद बीज की भी जरूरत कम पड़ती है और वो बीमारियों से कम इफेक्ट होती है, तो इस तरह की टेक्निकल गाइडलाइंस आप कृषि विभाग से ले लें और बैंकों में भी आजकल कृषि अधिकारी जो बिठा रखे हैं वो सारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, कृषि से पढ़े लिखे हैं और उनको ये लेटेस्ट जो
टेक्निकल गाइडलाइंस और गाइडलाइंस जो नाबार्ड की हैं उससे वो अपडेट रहते हैं, तो किसान को गाइड कर सकते हैं कि आपके एरिया में आपके जैसे सोइल टेस्टिंग का बात है तो सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में आपकी मृदा टेस्टिंग हो गई, अब उसके हिसाब से कौन सी फिट है आपके लिए फसल और आपको क्या क्या कृषि की टेक्निक्स अपनाने से आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, तो ये सारी जानकारियाँ आपको वहाँ से मिलती हैं और उसके हिसाब से आप अपनी योजना बनाकर रूपरेखा बनाकर और एक साल में इतना हम ग्रोथ कर लेंगे, दूसरे साल इतना और तीसरे साल में डबल कर लेंगे, इस तरह से योजना बना सकते हैं। रामगोपाल जी, जया बैंक भी समर्पित हैं किसानों के प्रति और भी समर्पित है, आपके अगर जहन में या आपके जरूरत के हिसाब से कोई और बात जगी पूछनी है तो शर्मा जी से पूछ को नहीं सर नहीं पूछूंगा, चलो मैं पूछूँ। अब मैं बात करूँ किसान की ऐसी अच्छी बात करूँ या करूँ, वसूली की बात आवे साहब। हाँ, वसूली बहुत पहली शर्मा जी के कर्जो भलो ने बाप को और बेटी बली ने एक चलबो भलो ने को उसको जाके साहिब राके टेक लो क्या करता, कर्जन बहुत डरिया करता को बेटी आज बेटी नहीं तो कुछ नहीं, चल आज नहीं चलेगा तो डायबिटीज हो जाएगी, ई वास्ते घूमनो भी पड़ेगा, तीनों चीजा स्थिति और परिस्थिति फर्क आ गयो। तो वसूली यानी के तरीके से वापिस आवे और किसान भी बिन तरीके से उधर दे और जबकि एजेंसी है बैंक हो चाहे हो वो भी बिकम भी पैसा आता रहे, वसूली को तरीको वसूली का तरीका यही है कि जब आपकी फसल पक जाए तो उसको आप जैसे कृषि उपज मंडियां हैं या आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है उसके हिसाब से आप अच्छी कीमत में उसको फसल को उचित कीमत में बेचें, यह नहीं कि फसल आ गई और आपने सस्ते में उसको बिना उसकी कॉस्ट वसूल करे हुए आपकी कीमत ही नहीं निकले और आपने ज़रूरत आ गई बेच दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कृषि उपज मंडी में आप सही दाम उसके फिक्स लें और अगर मान लीजिए कि अभी कॉस्ट कम है तो कई जगह हमने ये जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटीज भी हैं आप साल दो महीने वहाँ भी रख सकते हैं, फसल का दाम अच्छा मिलेगा, आपने निकाल के बेच दी। और वसूली बैंक की ये याद रखिए कि जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड बैंक में बोलता है, आपने मान लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हर बारह महीने में और जब भी किस्त ड्यू हुई तब आपने चुकाया तो आपका एक रिकॉर्ड बन गया, ये बैलेंस शीट बन गया, तो उससे आपको आगे मान लीजिए आपके लिमिट 3 लाख है, बैंक 10 लाख भी देने के लिए आपको तैयार रहता है और आपका किसी भी तरीके से एक रिपोर्ट बन जाता है ट्रैक रिकॉर्ड कि आप आगे बढ़ गए, पहले छोटे किसान थे फिर बिग फार्मर और आपकी सिविल रिपोर्ट बन गई तो आप बाद में अच्छा प्रोडक्शन करने लगे, तो इस तरह से आपकी देश के लिए भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और चूंकि कहा जाता है कि कृषि तो हमारी अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ हड्डी है, इंडियन कल्चर इज एग्रीकल्चर, तो उसको बिल्कुल आप लोगों ने सिद्ध कर रखा है, अगर कृषि का योगदान हमारी देश की इकोनॉमी में इतना है कि इसके बिना तो हम इकोनॉमी की दूसरी बातें सोच भी नहीं सकते। तो किसान भाइयों, वसूली की अगर आप बात करा तो सही तरीको वो है कि वक्त पर कर्जो लेनो और वक्त पर चुकानो, टाइम पर देनो। बीसी आपान जकी भी योजना परियोजना और जिका लाभ है पूरा मिल पाऊंगा, अगर कर्जो टाइम पर नहीं चुकाए हुए तो जो को ब्याज माफ होना चाहिए वो नहीं होगो, बीमा को लाभ भी नहीं मिल पाओगे, खराबे को लाभ भी नहीं मिल पाओगे, बैंक की दृष्टि में आप डिफाल्टर हो जाऊंगा और कर्जो लेंगे तो आपन बड़ी तकलीफ होगी, इस वास्ते कर्जो हमेशा वक्त पर लेनो और वक्त पर चुकानो। एक बार मेरे दिमाग में और आ गई बात के कई बार आप खराब हो गयो, ओला पड़ गया, फसल खराब होगी, किसान के सामने परेशानी आ गई, कई बार वो टाइम पर एमडी साहब कर्जो नहीं चुका चा पावे तो इसी स्थिति में कोई माफी हो बिल्कुल, है, बिल्कुल तो भी को विस्तार से जिक्र हो जाए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, कई बार मान लीजिए लगातार 2 बार सूखा पड़ गया तो ये वहाँ पे सूखाग्रस्त एरिया गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है और फिर किसान की जो किस्तें हैं वो भी आगे हम खिसका देते हैं, अगले साल रिन्यूअल रिफेजमेंट कर देते हैं उसका, तो जब अगले साल अच्छी फसल हो जाएगी तब किसान चुका देगा, तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है विशेष रूप से। और किसानों के लिए सरकार हर बार नई योजनाएं सपोर्ट के लिए लाती है जिससे कृषि की आमदनी बढ़ सके, क्योंकि कृषि एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, तो इसको तो हमें हर एक आदमी को, हर डिपार्टमेंट को और हर ऑफिशियल को इसके बारे में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि किसान अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो समझिए कि राष्ट्र खड़ा है और राष्ट्र आगे के किसी भी चैलेंज को बियर कर सकता है। शर्मा जी, मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज़ हो गए,
मैनेजमेंट के बिना आदि व्यवस्था खराब हो जाए। एक किसान हो या आम आदमी हो, वो कर्जो ले और जकी चीज़ के लिए कर्जो ले भी मैं बेपिसा काम ले। कई बार क्यों हुआ कि किसान भाई है जो खेती बाड़ी के लिए पैसा लिया और ब्याह शादी में काम ले लिया, इसी स्थिति में एक किसान भाई मैनेजमेंट के तरीके से करे पैसा ले भी मैं काम ले। इसके लिए आप किसान भाइयों कोई अच्छी सलाह दो ताकि वह समर्पित रहें कृषि खेती के प्रति, यानी खेती से भी मन विमुख नहीं होना पड़े, तो इसके लिए आप विस्तार से भी चर्चा हो जाए। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड के साथ ये सुविधाएं हमने अलग से जोड़ रखी हैं, कंटिजेंसी नीड यानी शादी ब्याह की जरूरत पड़ गई, कोई बीमार हो गया घर में, तो उसके लिए 15% लिमिट अलग से फिक्स कर दी जाती है। तो आप लोग खेती बाड़ी के खर्चों में जो खर्च कर रहे हैं पेस्टिसाइड के लिए, सीड के लिए, तो वो उसमें काम में लें, और बीमारी वगैरह या कोई शादी ब्याह का खर्चा आ गया तो वो जो अलग से लिमिट फिक्स कर दी गई उसको उस समय उठा लें। ये नहीं कि साहब ज़रूरत है नहीं और उस लिमिट को भी आपने यूज़ कर ली तो बाद में जब ज़रूरत पड़ी तब आपने मुश्किल में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक योजनाबद्ध तरीके से और मतलब एक एक पाई पाई का जो है पूरा उपयोग सदुपयोग होगा और खेती बाड़ी में लगेगा, सही जगह लगेगा, जिस काम के लिए पैसा लिया उस काम में लगाओ, तो वो उसका फंड्स का डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। और डाइवर्जन होता है तो न तो आपका फसल में लगेगा न आपकी फसल पैदा होगी, किसान भाई उसमें मुश्किल में आ जाते हैं। फिर ये आजकल किसान खेती से विपरीत होता जा रही है, मतलब कि लागत ज़्यादा आ रही है, बीघा पैदावार कम हो रही है, इसी स्थिति में आप किसान भाई ने की सलाह देना चाहोगा? इस स्थिति में सलाह यही है कि जो मान लीजिए खेती बाड़ी में चेंज ऑफ रोटेशन, जो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप रोटेशन कृषि एक्सपर्ट्स जैसे बताते हैं, फसल का जो रोटेशन करना है, रोटेट करना है, यानी मान लीजिए आज इस साल हमने बाजरा बोया तो अगली बार ज्वार बो सकते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर अगेन और दूसरी फसल बो सकते हैं, तो कृषि का रोटेशन जो हो गया तो उससे हमें एक तो मान लीजिए इस फसल में हमें आमदनी हुई एक मान लीजिए कि 20,000 रुपये पर बीघा, तो दूसरी फसल हमने बोई वहाँ 30,000 हो गया, तो जहाँ फसल में कम आमदनी हो रही है उस फसल को हम अगले 6 महीने बाद बदल दें, रोटेशन कर दें उसका, और ये साइड में एक मान लीजिए 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन को आप विभाजित कर लें कि मुझे तो एक बीघा में तो मुझे एक डेयरी फार्म लगाना है, इस हिसाब से प्लानिंग करेंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। शर्मा साहब आप चौपाल में बधारिया, बैंक की सुविधा दी, किसानों की जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रामगोपाल जी आपको धन्यवाद, दीपावली की सब लोगों बधाइयां और शुभकामनाएं। राम राम साहब चौपाल को, राम राम साहब।